वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 83, क्लास 10th के लिए है, इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। रिवीजन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टडी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नया टॉपिक नया सिलेबस में आपका जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इससे रिलेटेड के स्टडी किस तरह से आएगी, ये आपका आज ये वाली वर्कशीट 8 फरवरी की वर्कशीट के थ्रू बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया नाम की लड़की ने, रिया बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। रिया 3 नोटबुक और 2 पेन्स को खरीदती है 80 रुपए में। हर फ्रेंड सुनील सेड दैट प्राइस ऑफ ईच, मतलब वो 3 नोटबुक लेकर आएगी, 2 पेन लेकर आएगी और टोटल दुकानदार को उसने 80 रुपए दिए। तो जो उसका एक दोस्त है उसने कहा कि हाँ, अगर हर नोटबुक 25 रुपए की होगी तो टोटल कितना हुआ, 75, है ना। 3 नोटबुक की कीमत हो जाएगी 75, और अगर 2 पेन 5 रुपए का लाती है तो 1 पेन 2.5 रुपए का पड़ेगा, तो 75 और 5 80 बने। ये सुनील का सोच है, ये पता नहीं है कितने की नोटबुक है कितने का पेन है, ठीक है ना। दीपा सोचती है कि 2.5 रुपए तो बहुत कम है 1 पेन की कीमत। तो दीपा ने सोचा कि 1 पेन की कीमत 16 रुपए होगी, तो 2 पेन 32 के हो गए ना, और बाकी उसने ईच नोटबुक 16 रुपीज के हिसाब से 3 नोटबुक उसने लिए होंगे। तो इस तरह से टोटल फिर भी 80 बनाया दोनों ने। तो उसके दो फ्रेंड ने, एक सुनील ने और एक दीपा ने। तो ये थे रिया की बात। अब आकाश की बात ले लेते हैं। यहाँ पे एक और लड़का है, अब ये रिया है। आकाश ने सेम टाइप की नोटबुक, उसी रेट वाली, ठीक है, सेम टाइप की नोटबुक और पेन खरीदे उसने जैसे रिया ने लिए। तो उसने 110 रुपए पे किए, 4 नोटबुक और 3 पेन खरीदे। इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन क्या है चलिए पढ़ते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, इन्होंने कहा कि अगर 1 नोटबुक की कॉस्ट को एक्स मान लें और 1 पेन की कॉस्ट को वाई मान लें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब, इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो अगर हम देखें 1 नोटबुक एक्स की है तो रिया ने कितनी नोटबुक ली थी, 3, और 1 पेन वाई रुपए का है तो कितने पेन लिए थे उसने, 2। तो टोटल उसने पैसा 80 रुपया दिया था। अब बात करते हैं आकाश की। आकाश ने 4 नोटबुक ली थी यानी 4x और 3 पेन लिए थे 3y इक्वल टू 110 रुपीज उसने दिए थे। हम इक्वेशन देख रहे हैं, क्या ये वाली इक्वेशन कहीं ऑप्शन में है कि 3x + 2y = 80, 4x + 3y = 110। हाँ जी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इक्वेशन भी आ गई हमारे पास, 4 ऑप्शन में है, हमने देख लिया ट्राई करके। अब ये कह रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे इनके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आप इसके लिए a1 by a2 निकालिए। a1 by a2 कैसे निकालते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, कोएफिशिएंट होंगे a1 और a2, वाई वाले होंगे b1 b2 एंड रेस्ट c1 c2। यानी यहाँ होगा 3/4, b1/b2 क्या होगा 2/3। हम देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नहीं है ना इक्वल, 3/4 2/3 के बराबर नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द सॉल्यूशन इज यूनिक। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉस्ट बताइए, मतलब ये इमेजिन नहीं करना, इसकी तरह से गेस नहीं करना है सुनील या दीपा की तरह। एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है 1 पेन की और 1 नोटबुक की। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी दोनों के आंसर निकालने के लिए। तो 3x + 2y = 80 है, 3x + 2y = 80। नेक्स्ट क्या है, 4x + 3y = 110, 4x + 3y = 110, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। केस स्टडी 1 में 3rd और 4th दोनों ही क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे। तो हम देखिए x या y में से किसी एक को सेम करते हैं, चलिए हम x को सेम कर लेते हैं। तो हम x को सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोफिशिएंट से यानी 4 से। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में एक्स को सेम करना है तो 3 से करेंगे, मतलब एक्स के ऑप्शन से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12x
प्लस 4 2 8y और ये हो गया 320, ऐसे 12x 9y 330। अब सिंबल चेंज कर दीजिए, हम देख रहे हैं ये तो कट गया, 9x में से 8x गया, बीच का सिंबल नहीं देखते हैं, माइनस का y और ये आ जाएगा माइनस का 10, कट गया तो y इक्वल टू 10 आ गया। और y क्या था, पेन था ना, पेन की कॉस्ट आ गई 10 रुपीज, यानी हमारा ऑप्शन देखिए फोर्थ का आ गया। x किसको माना था हमने, x को माना गया है नोटबुक को, ठीक है, और y पेन को माना, तो पेन की कॉस्ट आ गई है हमारी 10 रुपीज, ए ऑप्शन आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हमें, नोटबुक की कॉस्ट निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी, y तो निकल ही चुका है फ्रॉम 1, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x प्लस 2y, y की जगह 10 रख दीजिए इक्वल टू 80, 3x प्लस 20 इक्वल टू 80, 3x इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 20, तो 3x इक्वल टू 60, x कितना आया बच्चे, x आ गया 60 बाय 3, x आ गया 20 रुपीज आ गई, किसकी कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट आई है 20 रुपीज। तो चलिए देखें ऑप्शन में 20 है कि नहीं है, यस ऑप्शन में 20 है बी, तो ये थर्ड और फोर्थ भी हो गए। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज वही नोटबुक 15 नहीं या 12 ले। देखिए एक नोटबुक की अगर कीमत पता चल जाए और एक पेन की, तो आप कितनी नोटबुक हो कितने पेन हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पांचवे क्वेश्चन के लिए देखिए 15 नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 15 गुणा में एक नोटबुक कितने की है, 20 की है, तो ये हो गया 300 रुपए, ठीक है। 12 पेन की कीमत कितनी होगी, एक पेन कितने का है, 10 रुपए का है, तो 12 × 2 = 120, आप टोटल कीजिए ये आ जाएगा 420 रुपीज, तो ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं, केस स्टडी सेकंड, गीता वेंट टू मार्केट विद हर आंट, गीता अपनी आंटी के साथ मार्केट जाती है और ड्रेस लेने के लिए, अपने भाई की शादी है तो ड्रेस लेने गई है, शी बाइज अ ड्रेस फॉर हर्सेल्फ, अपने लिए साड़ी लेती है और अपनी मम्मी अपने लिए ड्रेस लेती है, ठीक है, और अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी लेती है, शी पेड रुपीज 3000, 3000 रुपए वो देती है एक ड्रेस और एक साड़ी के। एवरीवन इन द फैमिली, हर किसी को ड्रेस और साड़ी पसंद आती है, हर आंट आल्सो परचेज 2 ड्रेसेस, उसकी आंटी भी 2 ड्रेस और 5 साड़ी सेम कॉस्ट वाली लेती है और 12000 रुपए देती है, यानी वैसे ही टाइप की ड्रेस उतने ही रेट की साड़ी 5 लेती है और 2 ड्रेस 12000 देती है। तो केस स्टडी पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस, मान लेते हैं कि एक ड्रेस की कीमत एक्स रुपए है और एक साड़ी की कीमत वाई है, कॉस्ट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, देखिए पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में यह था कि जो पहली कंडीशन में था कि उसने एक ड्रेस खरीदी और एक साड़ी ली, ठीक है, टोटल 3000 रुपए दिए, तो ये वैल्यूज तो हमें देखनी पड़ेगी कहाँ है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में उसकी आंटी ने 2 ड्रेस ली और एक ड्रेस 100 रुपए का है, प्लस 5 साड़ी ली, एक ड्रेस 2 रुपए की है और टोटल 12000 दिए। अब ये 2 बन गए हमारे पास ऑप्शन, एक्स प्लस वाई 3000 है और 2x + 5 = 12000, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा ए, क्लियर हो गया, ऑप्शन हमारा ए है। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि लीनियर ऑफ इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक या 2 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी हमने किया था a1 by a2 पिछली केस स्टडी में, यहाँ 1 है 1/2 आ गया, ऐसे ही b1 by b2 निकालिए, यहाँ 1 है तो 1/5 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, सी ऑप्शन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ के द्वारा लाइनें हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, यानी थर्ड क्वेश्चन में आंसर होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। पूछा गया है ना कि लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ग्राफिकली कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल या कोई नहीं, तो इंटरसेक्टिंग। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ के आंसर सॉल्व करके आएंगे कि 1 ड्रेस और 1 साड़ी की कीमत क्या होगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
केस स्टडी सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ का ऑप्शन आएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई 3000 था पहली इक्वेशन थी, दूसरी क्या थी चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 5y 12000 रुपए है सेकंड इक्वेशन है। तो बराबर कर देते हैं इसको, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली, ठीक है, x को इक्वल कर रहे हैं हम पहले वाले को वेरिएबल को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6000 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 12000। इसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है और इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज आता। तो अब ये देखिए सिंबल चेंज कीजिए, तो ये माइनस का आ गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस है बेटा, ये कट गया। अब ये माइनस 5 और प्लस का 2 कितना होगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6000, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 6000 अपॉन 3, तो y इक्वल टू आ गया 2000 रुपीज। y किसकी कीमत थी, साड़ी की कीमत थी, है ना, तो एक साड़ी की कीमत कितनी आएगी 2000, ऑप्शन आ गया हमारे पास बी ऑप्शन, तो ये साड़ी की कीमत थी, ध्यान रहेगा। अब फ्रॉम वन, वन में ये वन इक्वेशन है, वैल्यू पुट कीजिए एक्स प्लस 2000 इक्वल टू 3000, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू 3000 माइनस 2000, यानी कि 1000 रुपीज आ चुके हैं, जो कि ड्रेस की कीमत थी, ठीक है। तो एक ड्रेस की कीमत का ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन है ए, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो गए, फोर्थ का ऑप्शन ए होगा, फिफ्थ का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अच्छे इसको प्रूफ, इसको चेकआउट भी कर सकते हैं कि देखिए आंटी ने 2 ड्रेस ली थी ना, यानी एक ड्रेस 1000 की है तो 2 ड्रेस बनी 2000 की, 5 साड़ी, एक साड़ी 2000 की, तो 5 साड़ी हुई 10000 की, टोटल 12000 होते हैं, मीन्स कि आंसर हमारा ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि 3 ड्रेस एंड 3 साड़ी की कीमत कितनी होगी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।